हाय फ्रेंड्स, आज हम चिकन चॉप बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, इसे उबाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने बड़ा प्याज हाफ ऐड किया है और मिर्ची ऐड कर रही हूँ। प्याज मिर्ची हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसमें किसा हुआ अदरक ऐड करते हैं। अदरक किस पीस भी सकते हैं आप, पीसने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा धनिया पाउडर। एक नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू हाफ से भी थोड़ा सा कम है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा शक्कर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा चिकन मसाला, बस इतना। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा बेसन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा ब्रेड क्रम लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्किट को मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप कोई भी बिस्किट मिक्सी में पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे सबको। ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। अब इसका हम इस तरह से इसको शेप देंगे। आपको जैसे शेप में चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। मुझे इस तरह का शेप अच्छा लगता है तो मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ।
यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है गरम होने के लिए। जैसे ये गरम हो जाएगा फिर हम अपना एक एक चॉप को तलेंगे। यहाँ ऑयल हमारा गरम हो गया, हमें एक एक चॉप को इसमें डाल देंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में तलेंगे जब तक इसका रंग सुनहरा ना हो जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा चिकन चॉप दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म चिकन चॉप रेडी है।